गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड साइंस। चैप्टर फर्स्ट में लर्निंग है अवर बॉडी और मशीन। इससे पहले वन वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है और सेकंड वीडियो आज अपन रीड करेंगे। इसमें इसमें है आपके स्टोमक। स्टोमक इससे पहले अपन ने बॉडी पार्ट्स में इंटरनल ऑर्गन पढ़े हैं, जिसमें ब्रेन, हार्ट, लंग्स और ये पढ़े हैं, और आज अपन देखेंगे स्टोमक। स्टोमक देखेंगे अपन। व्हेन वी ईट द फूड इट गोज इनटू आवर स्टोमक। जब हम फूड ईट करते हैं तो हमारे स्टोमक में जाता है। द स्टोमक डाइजेस्ट द फूड वी ईट। और इसका क्या वर्क है, जो स्टोमक है इसमें अपने फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है, ये इतना सा ही है। इसमें स्टमक में क्या होता है, मेन वर्क है फूड का डाइजेशन। उसके बाद है बोन्स एंड मसल्स। बोन्स एंड मसल्स द ह्यूमन बॉडी हैज अ डेफिनेट शेप। ह्यूमन बॉडी जो होती है उसका एक डेफिनेट शेप होता है। पता है आपको, ह्यूमंस तो आप देखते ही हो, उसका एक शेप होता है। तो वो शेप जो है वो डेफिनेट शेप किसके कारण होता है, बोन्स और मसल्स के कारण। किसके कारण होता है, बोन्स और मसल्स, क्योंकि हमारी बॉडी में बोन्स और मसल्स होते हैं, इसलिए हमारा एक शेप फिक्स एक शेप होता है। बोन्स एंड मसल्स हेल्प आवर बॉडी टू स्टैंड स्ट्रेट, सिट, वॉक, रन एंड बेंड। तो किस किस में हमारी हेल्प करती है बोन्स और मसल्स, स्ट्रेट स्टैंड होने में, सिट, वॉक, रन एंड बेंड। किसी चीज को लेने के लिए हमको बेंड होना पड़ता है, तो वो किसके कारण हम बेंड हो पाते हैं, तो वो बोन्स और मसल्स के कारण हम बैंड हो पाते हैं। नहीं तो अगर बोन्स और मसल नहीं तो हो तो हमारा वो जो बॉडी है वो क्या हो जाएगा, एक मतलब गठरी बन जाएगी, मीट की गठरी बन जाएगी, है ना, जो वो स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, फ्रेम नहीं रहेगा, जो हम स्टैंड हो पाते हैं, वॉक कर पाते हैं, रन कर पाते हैं, वो नहीं हो पाएगा। अब बोन्स में देखते हैं अपन, बोन्स एंड मसल्स में बोन्स कितनी बोन्स होती है, क्या वर्क करती है, ये सब। ऑल द बोन्स ऑफ अवर बॉडी मेक अ फ्रेमवर्क फॉर स्केलेटन। मतलब ये हमारी जो बोन्स है वो सब मिलके क्या बनाती है, एक फ्रेमवर्क बनाती है, उसको हम बोलते हैं स्केलेटन। स्केलेटन बोलते हैं, जैसा कि ये शीट में दिया हुआ है, उसको स्केलेटन बोलते हैं। ये आपके पेज नंबर 7 पे है बुक में, चैप्टर फर्स्ट में। ये स्केलेटन है जो बोन्स का फ्रेमवर्क है, उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन। स्केलेटन बोलते हैं जो बना होता है। जो बोन्स का फ्रेमवर्क बना होता है उसको स्केलेटन बोलते हैं। देयर आर 206 बोन्स इन द स्केलेटन। हमारी बॉडी में टोटल जो है वो 206 बोन्स होती है। कितनी होती है, 206 बोन्स होती है हमारी बॉडी में टोटल मिला के। दिस स्केलेटन प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन सच एज लंग्स, ब्रेन, लिवर, हार्ट एक्सेट्रा। तो ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है, जो ये स्केलेटन होता है, जो बोन्स का फ्रेमवर्क, ये हमारी क्या करता है, प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन्स। हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, लंग्स, ब्रेन, लिवर, ये जो है हार्ट, इनकी प्रोटेक्ट करता है, इनको सेफ रखता है, ताकि बाहर से कोई हर्ट करे तो वो बोन्स ही फ्रैक्चर होती है या बोन्स में क्रैक्स आते हैं, उनके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो सेफ रहते हैं, प्रोटेक्ट करता है ये बाहर की हर्ट से, इन इंटरनल ऑर्गन्स को। ये इंटरनल ऑर्गन्स कौन से हैं, जो हमारे बॉडी के इनसाइड होते हैं, लंग्स, ब्रेन, लीवर, हर्ट, इसको मतलब हर्ट होने से सेफ रखता है, प्रोटेक्ट करता है। बोन्स के साथ क्या होता है हमारी बॉडी में, मसल्स। क्या होते हैं, मसल्स। बोन्स के साथ हमारी बॉडी में होते हैं मसल्स। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 639 मसल्स प्रेजेंट इन अवर ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी में अप्रोक्सीमेटली एवरेज जो है वो 639 मसल्स होती है। 639 मसल्स होती है। मसल्स जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है बहुत ज्यादा। मसल्स आर अटैच्ड टू बोन, जो
मसल्स होती है वो बोन से अटैच रहती है। दीज मसल्स टुगेदर हेल्प टू मूव ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब जो मसल्स होती है उसके कारण क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो पूरी मूव करती है। जैसे हमारे हैंड्स हैं ये मूव कर रहे हैं, हम वॉक करते हैं, हमारे लेग्स मूव करते हैं, तो वो सब किसके कारण पॉसिबल है, मसल्स के कारण। ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी वर्क वेल व्हेन वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। हमारी जो पूरी होल बॉडी है वो कब प्रॉपर काम करेगी, जब हम उनकी प्रॉपर केयर करेंगे। अच्छे से काम कब करेगी, वेल वर्क कैसे करेगी, जब हम उनकी प्रॉपरली केयर करेंगे। इसकी हमारे बॉडी पार्ट्स की, सो केयरिंग अवर बॉडी इज मस्ट फॉर अस। तो हमारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, क्या बहुत मस्ट है कि हम हमारी बॉडी की प्रॉपर केयर करें, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये था आपका चैप्टर, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। तो उसके बाद हम ये आपके जो है पेज नंबर 9 पे एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन बी, एक्सरसाइज में क्वेश्चन बी जो है वो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। बॉक्स में आपके हेल्प बॉक्स के लिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि इन फिलअप्स में आएंगे। तो द डैश हेल्प अस टू ब्रीथ। ब्रीथ लेने में हमारी हेल्प कौन करते हैं, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट करता है, कौन सा पार्ट करता है, क्वेश्चन बी में फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है, क्वेश्चन बी में करवा रही हूँ। उसमें कौन सा पार्ट, लंग्स। लंग्स जो है हमारे हेल्प करता है ब्रीथिंग करने में। द डैश इज प्रेजेंट इनसाइड द हेड। हमारा जो हेड है, हेड है उसके अंदर क्या होता है, हमारे हेड के अंदर हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट रहता है, ब्रेन। क्या रहता है, ब्रेन। ओके, थर्ड है आपका देयर आर डैश बोन्स इन स्केलेटन। स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है, अभी मैंने आपको बताया है कि हमारे जो बोन्स हैं वो मिलकर स्केलेटन बनाती है। तो हमारी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती है, 206। कितनी बोन्स होती है, 206। तो सी में आप 3 में जो बी का 3 है उसमें आपको 206 फिल करना है। मसल्स आर अटैच्ड टू डैश। मसल्स आर अटैच्ड टू डैश, तो जो मसल्स होती है वो किससे जॉइंट होती है, किससे अटैच होती है, बोन्स से। बोन्स, बोन्स की स्पेलिंग बताइए आपको, बी ओ एन ई एस, ये आपको 4th नंबर में फिल करना है। नेक्स्ट जो है आपके ट्रू फॉल्स, सी। सी क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। तो इसमें फर्स्ट आपके हैं आईज आर अवर इंटरनल ऑर्गन्स। आईज जो है वो हमारा इंटरनल ऑर्गन है। इंटरनल का मतलब होता है जो हमारे बॉडी के इनसाइड होते हैं। तो आईज जो इनसाइड नहीं होता वो तो हमको आउटसाइड दिखते हैं हमारे, तो ये फॉल्स है आपके। सी का जो है फर्स्ट क्वेश्चन वो आपके फॉल्स है। इंटरनल ऑर्गन्स वर्क ऑल द टाइम। इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो हर टाइम काम करते रहते हैं, एनी टाइम वर्क करते हैं इंटरनल ऑर्गन। फॉल्स, ये भी फॉल्स है। इंटरनल ऑर्गन हर टाइम काम नहीं करते, जब उनका वर्क होता है तब वर्क करते हैं। सारे इंटरनल ऑर्गन्स एनी टाइम वर्क नहीं करते हैं, तो ये फॉल्स होगा। ब्रेन हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट अवर फूड। ब्रेन जो है वो हमारी फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ब्रेन, ब्रेन का क्या नाम क्या है, थिंक करना, तो वो डाइजेस्ट नहीं करता, तो ये भी आपके फॉल्स है। थर्ड वाला, थर्ड आपके फॉल्स है। फोर्थ, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 639 मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में एवरेज जो है 639 मसल्स होती है, तो ये आपके ट्रू है। फोर्थ जो है वो ट्रू है। तो आपके असाइनमेंट क्या है आज का, पेज नंबर 9 क्वेश्चन बी और सी जो है आपको